पहले हमारे यहां खेलकूद एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था। आपको जो पांचवी छठी सातवीं में पढ़े होंगे उनको पता होगा। अब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वो शिक्षा का हिस्सा बना दिया गया है। यानी खेलकूद खेलना खिलने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, बिना खेले कोई खिल नहीं सकता। अगर आप खिलना चाहते हैं, खुलना चाहते हैं, तो खेल जीवन में बहुत जरूरी है। टीम स्पिरिट आता है, साहस आता है, अपने प्रतिस्पर्धी को समझने की ताकत आती है। ये सारी किताबों में से जो सीखते हैं खेल के मैदान में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन वह पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था से बाहर था, एक्स्ट्रा एक्टिविटी था, उसको प्रतिष्ठा दी। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन आने वाला है, और इन दिनों खेलकूद में जो रुचि बढ़ रही है तो उसको एक प्रतिष्ठा मिली है। फर्क, मैं एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको ध्यान में आए, कहने के लिए तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार से क्या हम 20वीं सदी की नीतियों को लेकर के 21वीं सदी का निर्माण कर सकते हैं क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूं, 20वीं सदी की सोच, 20वीं सदी की व्यवस्था, 20वीं सदी की नीति, इससे 21वीं सदी में आगे बढ़ सकते हैं क्या? जरा जोर से बताइए ना। नहीं बढ़ सकते ना। तो हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं को, सारी नीतियों को ढालना चाहिए कि नहीं ढालना चाहिए? अगर हम अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे, और ठहर जाएंगे ऐसा नहीं, हम पिछड़ जाएंगे।